हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बाल गोपाल के लिए नाइट ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। इस नाइट ड्रेस में हम कान्हा जी के लिए पजामा और साथ में शर्ट बनाएंगे। उसके लिए हमने देखिए इस तरह का कपड़ा लिया है, ये कॉटन में है, एकदम पतला फैब्रिक है। आप भी ऐसा ही कॉटन का कपड़ा लीजिएगा। और साथ में हमें सीजर चाहिए और इंच टेप चाहिए। सबसे पहले हमने इसकी कटिंग करनी है। आप चाहे तो इसके ऊपर कुछ भी डिज़ाइनिंग के लिए कर सकते हैं। वैसे हम नाइट ड्रेस बना रहे हैं, अगर आप सिंपल ही रखेंगे तो कान्हा जी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उन्हें गर्मी भी नहीं लगेगी, इसलिए हम इसका प्लेन फैब्रिक ही लेंगे। नहीं तो आप छोटी छोटी बूटी वाला प्रिंटेड कपड़ा भी ले सकते हैं। आइए इसकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें शर्ट कैसे बनाना है उसकी कटिंग करेंगे। कपड़े की लंबाई जो हमने लेनी है वो हमने 6 इंच रखी है। 6 इंच पे सबसे पहले मार्क करेंगे। इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच, ऊपर से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। मिला के इसकी कटिंग करेंगे, एकदम सीधा ही निशान मिलाइएगा। और जो हमने यहाँ 6 इंच का मार्क लगाया उसे भी इसके साथ ज्वाइन करना है और इसकी एकदम सीधी कटिंग कर देनी है। यह हम शर्ट के लिए कटिंग कर रहे हैं सबसे पहले। इसके बाद हमें पजामा कैसे बनाना है हम उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इस पट्टी को हमें फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके सबसे पहले इसका हमने फ्रंट नेक कटिंग करनी है, क्योंकि बैक इसका हमने एज इट इज रखना है। तो फ्रंट पे हमें जो वी कट करना है उसके लिए हम 1 इंच पे इस तरह तिरछा निशान लगाएंगे। ये उस साइड पे लगाइएगा जो साइड ओपन है। ये देखिए ओपन वाली साइड पे हमने निशान लगाया है। अब इस तिरछे मार्क को हम कट कर देंगे। इस तरह जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये शर्ट का नेक कट हो गया है। इसको जब हम डबल करके रखेंगे इस तरह से आगे आएगा। अब इसकी हमें बाजू की कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग करने के लिए इसको हमने एक और फोल्ड कर लिया है इसी तरह से रख के। यहाँ पर अब सेंटर में थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हुए बाजू का निशान लगाएंगे। इन दोनों कपड़ों को एक साथ रख के निशान लगाइएगा ताकि दोनों तरफ की बाजू कट हो जाए। ये निशान भी हम 1 इंच पे लगा रहे हैं। इस तरह यहाँ पर मार्क किया, यहाँ पर हल्का सा ऊपर से इसको इस तरह टर्न करते हुए इस मार्क के साथ ज्वाइन कर दिया। यहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब इस निशान को जो हमने निशान लगाया वहां से लेके ऊपर तक कट कर देना है। ये शर्ट की बाजू की कटिंग हो गई। जब ओपन करेंगे तो इस तरह से दोनों साइड पे ये बाजू के लिए निशान हो गया। ये हमने नेक की और बाजू की कटिंग कर ली है। इसके साथ हमें बाजू ज्वाइन करनी है, उसकी कटिंग भी करेंगे। और नीचे की तरफ हमें फ्रिल लगानी है, हमने पहले उसकी कटिंग करनी है। अब फ्रिल जो हमें लगानी है वो शर्ट की सिर्फ इस साइड पे आएगी, दूसरी साइड पे हम फ्रिल नहीं लगाएंगे। जिस हाथ में कान्हा जी के माखन होता है उस हाथ में हमें फ्रिल लगानी है, ये नीचे की तरफ। फ्रिल के लिए हम इस साइड से किनारी वाली साइड से पट्टी कट कर रहे हैं। इसकी हमने लंबाई रखी है 5 इंच और इसकी 1/4 इंच हमने चौड़ाई रखी है। अगर आप किनारी वाला हिस्सा नहीं ले रहे तो आप फ्रिल को डबल में भी रख सकते हैं ताकि उसकी जो क्रीज है वो आराम से बैठ जाए। इस तरह से इसका हमने मार्क करके कट कर लेना है। ये हमारी फ्रिल की कटिंग हो गई। इसके बाद अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। अब बाजू के लिए हमने 5.5 इंच चौड़ाई में एक पट्टी ली है। इसकी लंबाई हमने 5.5 इंच रखी है और चौड़ाई इसकी हमने इस तरह से 1 से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, बाकी ऊपर से कटाई में चले जाएगा। इसे आप 1.5 इंच रख लीजिए। इसकी 4 तय करेंगे। इस तरह से हमने एक फोल्ड किया, एक और फोल्ड करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, ऊपर से इस तरह से मार्क करेंगे हल्का सा राउंड देते हुए और नीचे से एकदम तिरछा। ऊपर से जहाँ हमने हल्का सा राउंड दिया था बस वहीं से हमें ऊपर से कटाई कर देनी है। ये दोनों बाजू हो गई। देखिए ये ड्रेस की जो हमने शर्ट बनाई है उसकी 2 बाजू की कटिंग हो गई है।
जो फ्रंट वाली बाजू है उसकी अब हम फ्रंट वाली बाजू मतलब जो इस तरफ की राइट साइड वाली बाजू है कान्हा जी की, उसके नीचे की तरफ हमें फ्रिल लगानी है। ध्यान रखिएगा जो हमने फ्रिल की पट्टी कट करी है वो हम राइट साइड पे लगाएंगे, इस साइड पे फ्रिल नहीं आएगी। फ्रंट साइड पे जो यहाँ का ओपन साइड है इस साइड पे जो हमने पट्टी लगानी है जिसके ऊपर हमने बटन्स लगाने हैं, वो बटन पट्टी हम कट करेंगे। उसके लिए एक हमें छोटी सी पट्टी कट करनी, इस पट्टी को हम आधा इंच चौड़ी रखेंगे और एक इंच इसकी लंबाई रखी है, इसको इस तरह से आधा इंच टर्न करके बस कट कर दीजिए। ये पट्टी एकदम छोटी सी लगती है, इसके ऊपर हमने बटन लगाने हैं आगे से ताकि हम उसकी शर्ट कान्हा जी की शर्ट को बंद कर सकें। उसके लिए हमने ये पट्टी कट करी है, बस इस तरह से कट करके ये शर्ट की फ्रंट साइड पर लगा देंगे। शर्ट सिलने से पहले जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे इस तरह से हम पट्टी रखेंगे, इसकी सिलाई लगाते हुए इस साइड पे सिलाई लगा के इस तरह से ऊपर की तरफ करके एक और सिलाई लगा देंगे। जो दूसरी तरफ की साइड है जहाँ पर हमें बंद करनी है ये बटन पट्टी, वो हम नॉर्मली इसे टर्न करके सिलाई लगाएंगे। ये दूसरी साइड वाली पट्टी है, यहाँ पर हमें ऐसे ही बस सिलाई लगा देनी है इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके। और नीचे की तरफ हमने किनारी वाली साइड ली थी तो नीचे की तरफ हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से धागे नहीं निकलेंगे। और ऊपर जहाँ हमने नेक बनाया है नेक पे भी हम इसी तरह टर्न करेंगे, उसे तिरछाई टर्न करके बस सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने नेक को टर्न करते हुए तिरछे में सिलाई लगाई है, आगे हम बटन पट्टी अटैच कर देंगे। इसी तरह सब किनारी फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करने के बाद हम बाकी का काम करेंगे। सब तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हमें मोड़े अटैच करने हैं, तो उसके लिए इस तरह से इसे उल्टा रखते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर दोनों तरफ मोड़ों की हम सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हमने बाजू अटैच करनी है। ये एक साइड पे हो गई, अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह टर्न करके दूसरे मोड़े को भी अटैच कर देंगे। और इसके बाद अब हमने बाजू जो कट करी थी बाजू लगानी है, बाजू भी हमने इससे जो राउंड है छोटा सा राउंड है इसी में अटैच करनी है। ये जो हमने बाजू कट करी थी इसको भी हम उल्टा रखते हुए दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, इस तरह दूसरी बाजू को भी सिलाई लगा के आप अटैच कीजिएगा। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाने के बाद बाजू अटैच नहीं कर सकते, जो हमने शर्ट बनाई है उसकी शर्ट की ये जो दोनों साइड्स हैं इसको आप कटिंग रख लीजिए। कटिंग दोनों साइड पे जगह रखेंगे तो बाजू अटैच करने के बाद इस साइड से भी हम इसे अटैच करके बाजू लग जाती हैं, वरना आप इसी को बाजू को अटैच करके साइड में लगा दीजिए। इस तरह से बाजू की भी पहले जहाँ से खुला है वहाँ से सिलाई लगा के फिर अटैच कीजिएगा। दोनों तरफ बाजू लगा लीजिए और उसके बाद हम फ्रिल लगाएंगे। बाजू हमने जो फ्रंट साइड है वहाँ से इसके इस तरह जो हमने राउंड कट करा है इसके अंदर डालेंगे और दोनों तरफ से लगाते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह से राउंड में ही हमें सिलाई लगानी है और बाजू जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। इसी तरह दूसरी बाजू भी ज्वाइन करनी है। ये इस तरह से बाजू अटैच करने के बाद ऐसे आगे ऐसी शर्ट आएगी और जो इसकी ये साइड है राइट साइड है इस पर अब हमें इस साइड पर नीचे से फ्रिल लगानी है। फ्रिल हमें उल्टी साइड से लगानी है अंदर की तरफ से। सबसे पहले हमें फ्रिल के जो कॉर्नर है दोनों साइड की उसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हल्की हल्की चुन्नट डालते हुए इस फ्रिल को फ्रंट साइड पे अटैच करना है। इस तरह से लगेगी और ऊपर के ऊपर रखते हुए चुन्नट डालेंगे, सिलाई लगाते जाइए इस तरह से। बस ये फ्रंट साइड पे हमें डिजाइनिंग के लिए ही फ्रिल लगानी है, इस तरह से आ जाएगी। इस तरह से हमने ये फ्रिल अटैच कर ली है। ये हमने जहाँ पर इस साइड की सिलाई थी वहाँ के पास आई है और आगे जहाँ हमने बटन पट्टी लगाई थी उसके ऊपर हमने इस तरह से गोल्डन मोती लगाए हैं और नीचे हम टिच बटन लगाएंगे इसलिए ताकि ये बंद हो जाए आगे से। दोनों तरफ टिच बटन लगा दीजिए और ये हमारी शर्ट का पार्ट रेडी हो गया है। जहाँ हमने चुन्नट डाले हैं इस साइड पर भी आप एक ऊपर की तरफ सिलाई लगा दीजिए ताकि ये जो चुन्नट है ये बैठ जाए, खड़े खड़े ना रहें। ये कान्हा जी की शर्ट रेडी है नाइट ड्रेस के लिए। अगर आप इसका पजामा भी सीखना चाहते हैं प्लीज़ इस वीडियो का पार्ट टू देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा। हरे कृष्णा।